हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विंस की रसोई। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप तंदूरी पॉम्फ्रेट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इनफैक्ट इसे रेस्टोरेंट्स में भी सर्व किया जाता है। आजकल तो फिशेस सबको पसंद आती है, लेकिन पॉम्फ्रेट फिश एक ऐसी फिश है जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। और बेस्ट बात है कि इसमें कोई बोन्स नहीं है, तो बच्चे भी इसे इजीली खा सकते हैं। जी, और ये बहुत ही टेस्टी है और ये हेल्दी है क्योंकि ये ग्रिल्ड है। मैंने इसे ग्रिल पैन पे बनाया है और अगर आप चाहे तो आप इसे माइक्रोवेव पे भी बना सकते हैं। मैंने वीडियो में इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले मैंने पॉम्फ्रेट फिश लिया है, उसको मैंने धो लिया अच्छी तरीके से, साफ कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं इस पे कट्स लगा दूंगा एक शार्प नाइफ की मदद से। अब ऐसे इसमें कट्स लगा लें। ये हम दोनों साइड्स में कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो मैरिनेशन है वो फिश के अंदर अच्छे से चल जाएगा और इसको टेस्टी बना देगा। हम इसको मैरिनेट करेंगे स्पाइसेस के साथ। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल लूंगा, फिर हल्दी डाल दूंगा, लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगा। अब इसमें एक चम्मच मैं बेसन मिला लूंगा, साथ ही मैं दो चम्मच थिक दही डाल दूंगा इसमें। ध्यान रखिए दोस्तों कि दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही थिक होना चाहिए। अब हम इसमें गरम मसाला डाल लेंगे। मैंने ये एक पेस्ट बना लिया है, इसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया है। मैं इसको मिला लूंगा इसमें। इसमें मैंने हरी मिर्च थोड़ा सा ज्यादा डाला हुआ है क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी बनता है। मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूंगा। हम इसको हाथ से मिलाएंगे, ये बेस्ट तरीका है, इससे मसाले सारे अच्छे से कोट हो जाएंगे फिश में। तो चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, हम ये मसालों को, ये जो मैंने चीरा मारा हुआ है उसपे मैं इसको इंसर्ट कर लूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चीरा मारा था, उसके अंदर डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि ये फिश के अंदर अच्छे से चला जाएगा और बहुत ही टेस्टी बना देगा रेसिपी को। ना नीचे थे पे। अब मैं इसको ढककर फ्रिज में रख दूंगा कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए, स्टिक हो जाए। नहीं तो अभी मैं इसको ऑयल में डाल दूंगा तो सारे मसाले गिर जाएंगे, जल जाएंगे तेल में, इसलिए इसको फ्रिज में देना बहुत जरूरी है। मैं इसमें बटर डाल दूंगा। ये मेरा फिश बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसे ग्रिल कर दूंगा। ये मेरा बटर गरम है, इस गरम बटर के ऊपर फिश को मैं ऐसे रख दूंगा और एक एक साइड को मैं लगभग 2 से 3 मिनट तक ग्रिल करूंगा। ये मैं ग्रिल पैन में इसे ग्रिल कर रहा हूँ। आप अगर चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव में आप ग्रिल मोड सेलेक्ट कर ले और एक एक साइड को 8 से 10 मिनट तक ग्रिल कर। हो चुका है, अब मैं इसे धीरे से टर्न कर लूंगा। वाह, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से ग्रिल हो चुका है, बिल्कुल ब्लैक मार्क्स आ गए हैं, मतलब अच्छे से पक भी चुका है फिश। अब हम दूसरे साइड के लिए वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से ग्रिल हो जाए। अब लगता है मुझे ये साइड भी पक चुका है, इसे चेक कर लेता हूँ। यार सी, कितने अच्छे से ये भी ग्रिल हो चुका है।
आपको इसके लिए वेट नहीं करना है कि आपका फिश पका है कि नहीं, क्योंकि पॉम्फ्रेट बहुत ही जल्दी पक जाता है, इसीलिए आप इसे बस ग्रिल कर ले एंड दैट्स डन। इसी में ही आपका फिश पक चुका है, बिल्कुल कोई भी कच्चापन नहीं रहेगा, और आपने जो इसे मैरिनेट किया है वो मैरिनेट ही इसे जल्दी पका देगा। ये आप बच्चों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, इसमें कोई भी बोन्स नहीं होता है। जनरली बच्चे बोन्स वाले फिश पसंद नहीं करते, पॉम्फ्रेट में कोई भी बोन्स नहीं होता है, बस अंदर में एक बड़ा सा बोन होता है जिसे निकाल के आप इजीली इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लूँगा और इसमें लेमन जूस और अनियन रिंग्स डाल के इसे सर्व कर लूँगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरा पॉम्फ्रेट रेडी है। इस पर आप जो ग्रिल मार्क्स देख रहे हैं, जो चार मार्क्स देख रहे हैं, इसी में एक्चुअल फ्लेवर्स छुपा हुआ है। अब मैं इसे ये अनियन रिंग्स के साथ थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगा। अब ये बन चुका है, अब बस इसमें मैं एक नींबू को निचोड़ लूँगा।